अगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा लखनऊ इस समय रणभूमि बना हुआ है। विद्यार्थियों का जो प्रयास है वो अब रंग लाने लगा है। और मैं हमेशा से आप लोगों से बताता रहा हूं कि धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और ओबीसी आरक्षण एमआरसी के लिए 22,000 सीटों के लिए लगभग 10-15 दिनों से लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस चीज को लेकर के मीडिया में भी इस बार काफी रुचि दिखाई गई और मीडिया में भी इन सूचना को दिखाया गया। काफी ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और खास तौर से जो है कांग्रेस पार्टी और भी बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके भी बयान आए हैं इस भर्ती को लेकर के और विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर के। हालांकि ये सभी विपक्ष की पार्टियां 4 साल से निर्धारित रही हैं। ये भी सरकार के हर एक बुरे कार्य में इन पार्टियों का भी योगदान रहा है। चुनावी वर्ष में जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है और उसी तरीके से चुनावी वर्ष है चूंकि, इसीलिए अब विपक्ष की पार्टियां भी इसमें मुंह खोलने लगी हैं। और आरक्षण के मामले को लेकर के कल जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, उनके घर का घेराव किया था विद्यार्थियों ने। मंत्री जी ने मुलाकात भी की थी और मंत्री जी ने कहा था कि हम 3-4 दिन में इसके बारे में निर्णय लेंगे। उसके बाद में मंत्री जी का भी बयान आया था जो मीडिया के माध्यम से बताया गया था। और आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हालांकि सरकार की अब किरकिरी बहुत ज़्यादा हो रही है चूँकि जो विद्यार्थी हैं ओबीसी आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं उन विद्यार्थियों ने जो अपना प्रदर्शन है वो बढ़ा दिया है। इसी के संबंध में आज के लगभग सभी जितने भी टीवी चैनल हैं उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री ने इस मसले को संज्ञान में ले लिया है। लखनऊ में जो हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है सतीश। इधर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी सतीश द्विवेदी से भी जानकारी ली। उन्होंने मंत्री से पूछा आखिर क्यों हो रहा है हंगामा, कुछ राहत मिलेगी? जी जी बिल्कुल, हम माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं। योगी जी हर चीज पारदर्शी तरीके से चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंत्री और ये अधिकारी चीजों को छुपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये घपला हुआ है। आप भी कल बैठे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और ये अधिकारी कहीं ना कहीं इनके माथे पे शिकन था। चीजों को उस तरीके से नहीं बोल पा रहे थे जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को डांट के भगा दिया जाता था, उस तरीके से नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर दबाव कहीं ना कहीं हमारे प्रदर्शन का है। लगातार देखिए बारिश भी हो रही है, धूप भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बने हैं। माननीय मंत्री जी इस समय पूरी तरीके से दबाव में हैं, लेकिन दबाव इनके ऊपर ये दबाव कहीं ना कहीं ये भांडा फूट जाएगा। जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं अब जाग गए हैं लोग प्रदेश से, अब हम लोग ये भी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग की नीचे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा क्यों हो रहा है हंगामा। सीएम ने भर्ती से जुड़े आंकड़े सामने रखने को कहा, खत्म होगा विवाद, शुरू होगा संवाद। तो भर्ती के जो आंकड़े हैं वो सरकार स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है। हालांकि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि जो ओबीसी आरक्षण वो किस तरीके से दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा मंत्री उन्होंने बताया कि लगभग 31,000 जो छात्र ओबीसी के चयनित हैं और लगभग 20,000 जो छात्र हैं 21,000 वो सामान्य वर्ग के चयनित हैं। लेकिन विद्यार्थी जिन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं उन प्रश्नों से संतुष्ट करना चाहिए, कोई भी आंकड़े छुपाना नहीं चाहिए जैसा कि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी भर्तियों में होता है। सतीश द्विवेदी को बुलाया गया, क्या इसे आप मानते हैं कि एक सकारात्मक चीज हुई है और अब संवाद आगे बढ़ेगा? अभी तक केवल विवाद हो रहा था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ और जिस तेजी के साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोरोना काल में की है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और हम सभी अभ्यर्थी उनकी तारीफ करते हैं। हर जगह कहते भी हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की देन है कि ये भर्ती इतनी तेज गति से सुप्रीम कोर्ट से होकर भी निस्तारित हो गई है। लेकिन एक प्रश्न जो सर अभी तक अनुत्तरित है कि विभाग एक तरफ कहता है कि हमने सारी चीजें पारदर्शी तरीके से की हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो 67,867 लोग चयनित हुए हैं जिनको विभाग 42,000 से अधिक तनख्वाह दे रहा है उनका डेटा क्यों छुपाया जा रहा है? और जो डेटा हमने मेहनत करके अपने पैसे खर्च करके निकाले हैं जिसकी बुनियाद पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसको डिनाई क्यों किया? तो जो रिपोर्ट की बात कही जा रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट जो 29 तारीख को दी गई थी उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के अब यही जो सक्रियता है सीएम को थोड़ा सा पहले दिखानी चाहिए
ताकि जो विद्यार्थियों को जो कन्फ्यूज़न है, जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कन्फ्यूज है विद्यार्थी या कन्फ्यूज़ किया गया, विद्यार्थियों का जो भी जो प्रश्न है उनके जवाब दे दिए जाए और उनको संतुष्ट कर दिया जाए। चूँकि विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा आरोप है कि 27% OBC आरक्षण की जगह केवल 4% आरक्षण दिया गया। इसी के बाद में आज जो प्रदर्शन हो रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 22 तारीख से 5 तारीख को कहने की कल विद्यार्थी अलग से पहुंचे थे, बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ, विद्यार्थियों को लाठीचार्ज भी किया गया, उठा करके विद्यार्थियों को इको गार्डन में फेंक दिया गया। उसके बाद में सरकार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी बयान नहीं आया। आज विद्यार्थी थकार करके विपक्ष के पास गए थे, अखिलेश यादव के पास, यहाँ पर यादव से मुलाकात की। मुलाकात में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों के मुद्दे को उठाएंगे जिससे आप लोगों को नौकरी मिल सके, साथ ही अगर इस सरकार ने नौकरी नहीं दी तो आने वाले दिनों में सपा की सरकार बनी तो हम 69,000 भर्ती मामले में लेकर के, आरक्षण को लेकर के लगातार पिछले काफी समय से जो अभ्यर्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। आज उनका एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा है और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। हालांकि सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है, क्या बातें हुई, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों अखिलेश से मुलाकात की, क्या बातें की? हम लोगों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए बात की और अपना ज्ञापन भी दिया है। प्रदेश में पिछले 2 सालों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई थी और हम लोग प्रशिक्षित होने के बाद नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी गुहार थी, सरकार ने नहीं सुनी तो आज हमें विपक्ष के पास अपनी भर्ती के लिए आना पड़ा है। उम्मीद करते हैं भैया हमारी बात को उठाएंगे और जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने में मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम लोग जो नई शिक्षक भर्ती के बारे में पिछले 22 जून से SCERT पर धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जबकि हम लोग शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी से मिल चुके और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से भी मुलाकात हम लोगों की हो चुकी, लेकिन उस मुलाकात का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। विज्ञापन जारी करने में विलंब कर रही है, इसलिए हम लोग आज सपा कार्यालय अखिलेश भैया जी के पास आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश भैया हम लोगों का मुद्दा उठाएंगे और सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कम से कम 97,000 पदों पर जारी करेगी। हो चुकी, लेकिन उस मुलाकात में तो विद्यार्थी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो, और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि वो जब उनकी सरकार आती है अगर तो वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। और आप लोग एक बात का और कमेंट में जवाब दीजिए, चूँकि समाजवादी पार्टी की एक सोच है, हर पार्टी की एक सोच होती है और उस विचारधारा के अनुसार कार्य करती है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से ये सोच रही है कि एकेडमिक आधार पर भर्तियाँ हों, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे अभी जो पुलिस भर्ती पिछली वाली हुई थी वो भी एकेडमिक आधार पर हुई थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई थी। इसीलिए आप लोग ये बताएं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी तो सुपर TET आवश्यक है या नहीं है, या एकेडमिक के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं UP SSC PET की। UP SSC PET कई जिलों के आज छात्रों ने, जो अलग अलग जिले के जिलाधिकारी हैं या उप जिलाधिकारी हैं, उसको ज्ञापन दिया है। और ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये सोनभद्र जिले की तस्वीर है, ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय की तस्वीर है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पर विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है, जिसमें PET में आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों ने दोबारा मांग की है। और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये प्रयागराज की है। मिर्जापुर में भी विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये अमरोहा की तस्वीरें हैं, कैराना शामली में भी ज्ञापन दिया। तो कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में आज जो है ये कार्यक्रम, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं युवा मंच की तरफ से और छात्रों की तरफ से दावा किया गया कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो PET के में आवेदन नहीं कर पाए और इससे वंचित हो गए, इसलिए इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं UP SSC PET एडमिट कार्ड की। बहुत सारे विद्यार्थी PET का एडमिट कार्ड पूछ रहे थे, सर PET का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा। और एक पोस्ट वायरल हो रही है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, जिसमें ये बताया गया है कि आज UP SSC PET का देर शाम तक जो है वो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो वो फेक न्यूज है। PET का जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है, अभी बहुत सारा जो काम है वो बकाया है कि किन किन विद्यालयों पर सेंटर जाएगा। चूँकि ये पूरे प्रदेश के हर ज़िले को सेंटर बनाया जा रहा है, इसीलिए जो विद्यालयों का चयन का काम है वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, अभी भी उसमें बहुत सारी जो कार्रवाई है वो शेष है। इसलिए PET का जो एडमिट कार्ड है वो अभी इस महीने नहीं आएगा, PET का जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। दैनिक जागरण की ये न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, UP SSC PET एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने की तारीख। इस समाचार पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है।
ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव किया जा सकता है। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जिसकी वैलिडिटी एक साल की है तो वो वैलिडिटी किस तारीख से शुरू होगी। तो उसकी जो तारीख है वो जिस दिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का रिजल्ट वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा उस दिन से पीईटी के जो स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो जोड़ी जाएगी, उस दिन से सीधे सीधे एक साल, तो ये उसकी वैलिडिटी होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह स्कोर सिर्फ एक साल के लिए मान्य होगा, साथ ही इस अवधि की गणना यूपी पीईटी 2021 रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uptriplesc.gov.in पर अपलोड किए जाने की तिथि से की जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपकी जो पीईटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी किस तारीख से शुरू होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा अपने काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग targetwithpsparihar.com वेबसाइट को जरूर देखें या targetwithpsparihar ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।